सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते राजन मेरे गोविंद की अनेक लीलाएं हैं। इसी लीला के बाद भगवान ने और भी लीलाएं करी हैं। महाराज भगवान ने जो कंस को उद्धार किया, कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। देखिए महाराज, कंस की पत्नी हर व्यक्ति के अंदर बैठी है, दोनों हर व्यक्ति के अंदर। जो कुछ हमारे पास है, मतलब अस्ति, अस्ति मतलब है, और जो कुछ है उसमें भी हम संतुष्ट नहीं है, और मतलब प्राप्ति। अस्ति को छोड़कर प्राप्ति की चाह में लगे 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 पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। जैसा जीव का जीवन समाप्त हो जाता है, कहते दोनों अपने पिता के घर चली गई। पिता कौन? जरासंध। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, मेरे दामाद को मार दिया। और महाराज जरासंध ने कहते हैं अपनी 23 अक्षुणी सेना लेकर के महाराज जरासंध ने कृष्ण को मारने की योजना बनाई, मारने की योजना बनाई, चढ़ाई करी। तो भगवान ने उसको एक बार मार नहीं, कहते महाराज 17 बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया, लेकिन 18 बार उसने फिर योजना बनाई। कैसी? बोले कृष्ण जो है वो विप्र हितैषी बहुत बड़ा है, ब्राह्मणों को बुलाया जाए, बहुत सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया, अनुष्ठान पर बिठा लिया। देखो अब मैं कृष्ण के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा हूँ, अगर मैं जीत गया तब तो मैं तुमको सब सब अयाचक कर दूंगा, इतना धन ऐश्वर्य सब दूंगा कि तुम जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर हार गया तो कोलू में बर्बाद हो जाऊंगा। अनुष्ठान पर ब्राह्मणों को बिठा दिया। अब ब्राह्मण बैठ बेचारे अनुष्ठान करेंगे का? वे तो एक एक नाम भजे, हे कृष्ण द्वारिका नाथ हमारी रक्षा करना, नहीं तो मर जाएंगे। और भगवान को अवतार इसीलिए लेते हैं महाराज, भगवान अवतार लेते हैं। उस अवतार लेने में सबसे पहला कारण होता है क्या? विप्र, और दूसरा होता है धेनु, और तीसरा होता है देवता सुर। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनु जगवार, और खुद की इच्छा भगवान को बनाता नहीं है, कोई प्रकट नहीं करता, कोई पैदा नहीं करता, निज इच्छा खुद निर्माण करते हैं। प्रभु की माया अपरंपार है, माया खुद महाराज। आज भगवान को पता चला इसने ऐसा कर्म किया, ब्राह्मणों को बिठाला, तो दाऊ भैया, दाऊ भैया नाना जी तो मान नहीं रहे, फिर आने वाले हैं, लेकिन एक काम करते हैं, इस बार बार भाग जाते हैं। वो सोचेंगे चलो अब भाग गए, अब तो छोड़ देंगे। तो बलराम कहने लगे दाऊ भैया, अरे लाला इतने इतने काम करे हैं, माखन चोर वैसे ही लोग कहते हैं, तू काय को भैया उल्टे काम करे हैं, अरे कोई डरते हैं भागेंगे लोग, क्या कहेंगे रण छोड़ छोड़ कर। तो भगवान का नहीं आगे आने लगे दाऊ भैया, लोग माखन चोर चोर कहते हैं, एक नाम और पड़ जाएगा रण छोड़, कौन सी बुराई है, एक नाम तो और पड़ेगा ना। वही किया महाराज, वही किया भगवान, रण छोड़ छोड़ कर भाग गए। जरा जरा प्रसन्न हो गया महाराज, रण छोड़ छोड़ भागे महाराज, जाकर के महाराज पर्वत पर चले गए। जरा संत ने वहां भी नहीं छोड़ा, पर्वत में आग लगा दी, भगवान वहां से कूदे महाराज समुद्र के वहां पर जाकर के, और विश्वकर्मा को आदेश करके द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया, द्वारिका के राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए।